केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान बिल को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और इसी कड़ी में काशीपुर में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और जुलूस निकालकर रामनगर जाने वाली सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल केंद्र सरकार ने जब से किसान बिल पारित किया है तब से लगातार किसानों में विरोध देखने को मिल रहा है। काशीपुर में किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान टांडा उज्जैन में इकट्ठा हुए, जहां किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर और बाइक रैलियां निकाली गई। एसडीएम को ज्ञापन देकर बिल को वापस लेने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने यह कहा कि एक तरफ किसान कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं सरकार किसान बिल लाकर किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा करना चाहती है। ऐसा जी, सरकारों को तो राजनीतिक आंकड़ेबाजी करनी होती है, इनको सरकार को किसानों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। आंकड़ेबाजी से राजनीति चलाते हैं, किसानों की ना खेती चल पाती ना घर चल पाता। किसानों का तो साथ धरातल पर काम होना चाहिए, धरातल पर नीतियां उतारनी चाहिए। ये कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाते हैं, एसी कमरों में बैठे रह जाते हैं। हम लोग गर्मी में और सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं क्योंकि ये हमारे खिलाफ है और हम अपना हक लेके रहेंगे। ये सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। उसके खिलाफ आज पूरा भारत बंद है, जिसमें हमारे सारे ब्लॉक उधम सिंह नगर के भी सारे ब्लॉक स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन है। पूरे देश में सारा किसान इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की कोई भी सरकार माननीय मोदी जी को इन्हीं किसानों की बदौलत है जो आज मोदी जी में प्रधानमंत्री बैठे और इन्होंने ही इन किसानों के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया। किसानों की एक ही मांग है कि उनका जो समर्थन मूल्य वो लिखित में दे ना, क्यों नहीं देती है सरकार। जो 3 विधेयक कृषि संबंधित पारित हुए हैं संसद में, उसके विरोध में किसानों के द्वारा एक रैली निकाली गई है और उन विधेयकों की समाप्ति को मांगते हुए एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित किया गया है। उस ज्ञापन को प्राप्त किया गया है और अब ये असेंबली समाप्त हो रही है।